इस पर दो सोर्सेस है, दो सोर्सेस का जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ठीक है, पी और क्यू पॉइंट है। जो क्यू पॉइंट है वो पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस है, ये फर्स्ट ब्राइटनेस की पोजीशन है, ठीक है। और जो पी पॉइंट है वो इलेवेंथ ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है, ठीक है। हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, क्यू से थोड़ी ना करते हैं। इसने कहा कि जो P पॉइंट है वो 11th ब्राइट फ्रिंज है ऑन दी अदर साइड एज मेजर्ड फ्रॉम Q, सेंटर से नहीं Q से। तो अगर सेंटर से इसकी नंबरिंग आए तो वो 11th थोड़ी ना होगी, बोलो क्या होगी, वो 10th होगी, क्योंकि एक फ्रिंज ऊपर से खत्म हो गई, आप डिस्टेंस नीचे से मेजर कर रहे हो, तो सेंटर से ये कौन सी फ्रिंज आएगी, 10th आएगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, Q पॉइंट से 11वां नंबर है लेकिन C पॉइंट से 10वां नंबर है, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक, नंबरिंग क्लियर है। तो ये तो बात पक्की हो गई कि जो पी पॉइंट है वो 10th ब्राइटनेस का पॉइंट है फ्रॉम सेंटर सी, सी सेंटर यहां नहीं है, फ्रॉम सेंटर सी यहां से, ठीक हो गया। आपको इसमें ये बताना है S1B किसके इक्वल है, S1B, देखो ये S1B है क्या, ये लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, इसने कम डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसने इससे कितना डिस्टेंस मेजर किया, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना इतना क्यों, क्योंकि ये और ये तो बराबर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है S1B वो एक्चुअल में पता है क्या है, पाथ का डिफरेंस, क्योंकि इसके बाद तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो बराबर है, तो जो एक्स्ट्रा जो टेल है वो पार्ट डिफरेंस है। और यहां पर मुझे पता लग रहा है कि कौन सी ब्राइटनेस है, 10th ब्राइटनेस है, तो यहां पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, एन लैम्डा, क्योंकि ब्राइटनेस में पार्ट डिफरेंस होता क्या है, एन लैम्डा, और यहां पर एन तो पता ही है कितना, 10 लैम्डा, तो एस वन भी है क्या, एस वन भी पार्ट डिफरेंस ही तो है, तो लैम्डा को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मार्क कर लो, पार्ट डिफरेंस आ गया, है कि नहीं सही क्वेश्चन, सर 10 लैम्डा देख रहे हैं इसमें पार्ट डिफरेंस। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, टू कोहरेंट सोर्सेस विद इंटेंसिटी रेशियो बीटा इंटरफेयर, फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी। एक काम करो, हमने किया नहीं है ये फ्रिंज विजिबिलिटी, फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला नोट कर लो, फ्रिंज विजिबिलिटी यंग्स एक्सपेरिमेंट में इसके इक्वल है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ठीक, ये फॉर्मूला नोट करो। विजिबिलिटी का फॉर्मूला नोट कर लिया, अब देखो आंसर निकलेगा कैसे, आपने ट्राई करना है घर पे। आपको इसमें इंटेंसिटी रेशियो गिवन है, इंटेंसिटी रेशियो का मतलब I2 by I1 की रेशियो क्या गिवन है, बीटा, ठीक है। आपको ये निकालनी है विजिबिलिटी, इसमें अगर मैं आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू पुट कर दूं तो आंसर बीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो आई मैक्स होता क्या है, आई मैक्स में याद है मैंने क्या करवाया था, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, क्योंकि आई मैक्स निकल रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तो आई मैक्स आ गया। तो आई मैक्स की वैल्यू अगर सॉल्व करनी हो तो पता है क्या आएगी, वैल्यू आएगी रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये आई मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इतना नहीं करना, एक और शॉर्टकट है,
ये बताओ कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह रूट आई वन, बी की जगह रूट आई टू, इंटेंसिटी आ गई, सीधे ही कर दो छोड़ो, सही है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कॉस फाई माइनस वन पुट करोगे तो आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या बनाओगे, आई मिनिमम विल बी इक्वल टू कॉस फाई, अगर नेगेटिव है तो रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल, या आई मैक्स है, आई मिनिमम आ गया फॉर्मूलाज। तो आपने क्या करना है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आई वन आई टू के टर्म में आएगा, फिर जहां आई टू बाई आई वन को की वैल्यू आएगी वहां बीटा पुट करना है, आपका सारा आंसर बीटा की फॉर्म में आएगा, इसका आंसर ए आएगा, टू रूट बीटा बाई वन प्लस बीटा। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है, करना क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट आइडिया क्लियर है क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ठीक, तो एक बार ट्राई करना है आपने। 14th में अगर y1 की वैल्यू गिवन है और y2 भी गिवन है, आपको रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है। आप मुझे ये बताओ कि इसमें एम्पलीट्यूड होगा क्या 10, एसी में किया ना मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या 10, इसकी वैल्यू में 5 नहीं है, प्लीज 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाओ। तो एक इक्वेशन साइन में कॉस में, तो शॉर्टकट क्या कराया था एम्पलीट्यूड का, साइन के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट, एसी में भी किया था ऐसे कॉस और साइन में। अगर कोई इक्वेशन कॉस और साइन में गिवन हो तो ये और ये का स्क्वायर करके अंडर रूट, सॉल्व करके ये भी 10 आ गया, तो 10:10 आंसर क्या आएगा, 1:1 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें वैल्यूज निकलेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो, डायग्राम समझ लो, इसको भी करते हैं सॉल्व। दो सोर्सेज हैं प्लेस्ड ऑन डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एट अ सेपरेशन ऑफ एक्स, sources emit identical wavelength lambda each, तो wavelength भी given है, number of points on the circle with maximum intensity, देखो मैं question समझाता हूँ, question ऐसे है क्या इसमें, question tricky है, medical में मैं कह नहीं सकता, non medical में तो फिर भी आ सकता है ये question है, medical वालों के लिए तो शायद मुश्किल ही है question आना। ये एक ना circle है, circle तो क्या ही है, सच बताऊँ ये एक तरीके की screen है, तो एक circle है, इस circle में इस सर्कल के अंदर एरा, ठीक है, दो स्लिट्स हैं, दो स्लिट्स हैं, ये दो स्लिट्स हैं, एक S1 है और एक S2 है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 5 लैम्डा, ये गिवन है S1 S2, ठीक। अब ये स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है, तो वो कह रहे हैं कि सर्कुलर स्क्रीन है तो यहां से वेव जाएगी, यहां से भी ऑब्वियसली कुछ वेव जाएगी, तो क्या आएगा पाथ का डिफरेंस, तो जो पाथ का डिफरेंस होगा मुझे ऐसा चाहिए एन लैम्डा कि वहां पर मैक्सिमा आए, मैक्सिमम आए। आपको ये बताना है कि इस, और आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो सेंटर है, सेंटर के साथ ये जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है, थीटा। आपको बताना है स्क्रीन पे कितने मैक्सिमा के पॉइंट आएंगे, काउंट करके बताओ 15, 20, 22, 25 कितने, पहले एक पॉइंट करें, पहले P पॉइंट अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमा आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा इसमें S1P माइनस S2P, ये क्या होगा इसका पाथ का डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस निकलेगा कैसे, ये पाथ डिफरेंस ऐसे निकलेगा, एक ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो इसके ऊपर, ऐसे कर लिया एक परपेंडिकुलर, ये लो ये ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को एक चीज पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एग्जैक्टली क्या है, सेम, तो ये क्या है मेरा एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है मेरा पाथ डिफरेंस, तो ये क्या है मेरा पाथ डिफरेंस, क्लियर है यहां तक, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज पाथ डिफरेंस, ठीक है।
अब ये पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए एक छोटी सी ज्योमेट्री है, वो ये कि अगर ये थीट है, अप्रोक्सीमेटली ये एंगल भी थीट है, आपको ऐसा कह सकते लाइन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हो ही नहीं सकते ना, लाइन तो पैरल होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स ना बहुत छोटा है आर से, ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, बड़ा करके दिखाया एक्चुअल में ये बहुत पास है और आर बहुत बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेट एंगल क्या हो जाएंगे इनमें, सेम अप्रोक्सीमेट सेम, क्योंकि वो पी पॉइंट बहुत दूर है। तो इसके अंदर इस ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें ये डिस्टेंस एक्स है, तो पार्ट डिफरेंस आएगा एक्स कॉस थीटा, कर लेना कॉस थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। तो पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है इसमें, पाथ डिफरेंस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एक्स कॉस थीटा। और अगर आप चाहते हो पी पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट हो, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। अब एक्स आपको क्वेश्चन में 5 लैम्डा गिवन है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन अपॉन 5। अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो एन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 5। ये पहला क्वाड्रेंट सॉल्व हुआ, ऐसे कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4, तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4, आंसर 20 आंसर है, मेडिकल में नहीं आएगा, छोड़ दें।